है क्या मिनी पाकिस्तान बनने में कहने में कोई संकोच मुझे तो नहीं है, मैं तो मानता हूँ मिनी पाकिस्तान बन गया माहौला, लेकिन केजरीवाल चोर है। बीजेपी का सपोर्टर, बीजेपी का सपोर्टर दिल्ली में केजरीवाल का माहौला, लेकिन केजरीवाल चोर है। एक बात बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल को एज ए सीएम कैंडिडेट फिर से घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा के पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, तो आप किसे सीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं? एक्चुअली क्या ना, ये तो देखो पार्टी का काम है किसको सीएम उम्मीदवार उतारना किसको नहीं उतारना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो पार्टी तय करेगी ना। वोटिंग किसको देखकर कीजिएगा? हाँ जी, वोटिंग किसको देखकर कीजिएगा? यार एक बात बताओ, धारा 370 जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी यहाँ पे, तिरंगा तो उसके अंदर ही गाड़ देंगे, 370 हट गया, और इससे बड़ी बात क्या होगी, ये तो समझ लो 100 साल बाद का काम अभी कर दिया। तो किसे सर चुनाव माहौल में देखना चाहते हैं? दिल्ली में क्या माहौल है इस बार चुनाव का? दिल्ली में केजरीवाल का माहौल है, लेकिन चोर है। कैसे चोर है केजरीवाल? केजरीवाल काम गिनवाए, जब वो काम पे वोट मांग रहा है तो काम तो गिनवाए ना, फ्री की चीजें क्यों गिनवा रहा है लोगों को? उन्होंने बोला कि हम बहुत सारे काम, बिजली दे दिए, पानी दे दिए, सड़कें बनवा दी। कौन सी सड़कें बनी? सीला बना गई सड़कें, तो सीला से के बाद में सड़कें गिनवाए, कितने फ्लाईओवर है, एक गिनवाए, सिग्नेचर ब्रिज को गिनवाने से थोड़ी ना होगा आगे। लेकिन बार बार कहना है आम आदमी पार्टी के नेता का कि रोटी कपड़ा मकान की बात सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान और मुसलमान की बात करती है। रोटी कपड़ा और मकान कल को मैं भी आपको फ्री में दे दूंगा, तो आप कल को झुगिया कितनी बढ़ जाएंगी? मैं कल को वहाँ पे रहता हूँ जी, हरिद्वार का हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे बिजली का भी पैसा देना पड़ता है, पानी का भी देना पड़ता है, दिल्ली में कुछ नहीं देना पड़ता। मैं भी कहूँगा चलो झुग्गी बनाते हैं दिल्ली में रहेंगे, थोड़े दिन बाद पक्की भी हो जाएगी अपने आप ही, कोई ना कोई सरकार तो आएगी ना जो पक्की कर जाएगी। आपने सर शाहीन बाग का माहौल आप देख रहे हैं, करीब एक महीने से शाहीन बाग की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, और कपिल मिश्रा कल ट्वीट भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान को इस बार ला दिया है, तो क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फिर से पाकिस्तान आ गया इस बार दिल्ली चुनाव में? तो शाहीन बाग की अगर एक स्थिति आप देखने जाइए तो शाहीन बाग कहाँ से शुरू हुआ, किसने उनको भड़काया? अगर वो ऐसे तो नहीं है कि आप क्यों नहीं बैठे जाकर, आप भी तो बैठ सकते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों नहीं बैठे, ये भाई क्यों नहीं बैठे, ये क्यों नहीं बैठे, मैं क्यों नहीं बैठा? हमें पता है जब कुछ होना ही नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स है तो शाहीन बाग वालों को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, राशन कार्ड का के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं दिखाने के लिए कि राशन कार्ड बनेगा तो इन डॉक्यूमेंट्स पे बनेगा, लेकिन उन्हें सीए में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने, वो तो एक तरह से पैसे लेके काम करने वाली बात हो गई। केजरी आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी हैं, अभय वर्मा जी बीजेपी से हैं, तब किसको कीजिएगा वोटिंग यहाँ पर? है वो तो हमारा अपना पर्सनल मत है, ठीक है, लेकिन अगर आप केजरीवाल बनाम क्यों, केजरीवाल उसके पास कोई और चेहरा नहीं है, उन्होंने पहले ही देख लिया है कि केजरीवाल ही है, उससे आगे भी तो बढ़ो, केजरीवाल जी को बाहर निकालो, केजरीवाल जी आज तक प्रधानमंत्री को गालियां देते थे, उससे आगे भी तो केजरीवाल जी जाएंगे कि केजरीवाल जी दिल्ली में ही रह जाएंगे? इस बार चुनावी माहौल क्या है सर दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो यही है कि केजरीवाल को वोट दें, केजरीवाल को वोट दें। हाँ, केजरीवाल बहुत काम कर रहा है, लेकिन अभी भाई साहब का आरोप लगा केजरीवाल चोर है, उनसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो काम करेगा पब्लिक तो उसको वोट देगी। सर आज सर इधर आ जाइए सर, किसका क्या चुनावी माहौल है सर इस बार दिल्ली का? देखिए चुनावी माहौल कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात यह है जो पार्टी देश हित के बारे में नहीं सोच सकती, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ सबूत मांगती हो, CAA NRC का विरोध करती हो, लोगों को भड़का कर दंगा कराती हो, फ्री का बिजली पानी देती हो, अगर लोगों को फ्री का बिजली पानी दे के केजरीवाल को वोट देना जो बिकाऊ लोग हैं उनको तो ठीक है, तो टैक्स का पैसा है ये, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, केजरीवाल को क्या राइट है टैक्स के पैसे का फ्री में लुटाने का? लेकिन केजरीवाल का आरोप यह है सर कि रोटी कपड़ा मकान की भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा देना है और पाकिस्तान को फिर से उन्होंने यहाँ पला दिया है। नहीं, बीजेपी ने आज तक जितने भी डेवलपमेंट के काम किए हैं पूरे देश में, तो क्या कोई सड़क बनवाई या टॉयलेट बनवाए, मकानों पर सब्सिडी दी, राशन सब्सिडी दी, वो जाति देख के दी है? आज तक एक एग्जाम्पल बता दीजिए बीजेपी ने कहीं किसी की जाति पूछ कर मकान की सब्सिडी दी हो, रोड बनवाई हो, टॉयलेट बनवाई हो, और CAA का मुसलमानों से मतलब क्या है, इसको क्यों भड़काया जा रहा है? तो सर आपको सर फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रहा है, तो इससे क्या आपत्ति है आपकी? मैं तो टैक्स देता हूँ 30 साल से, मुझे तो फ्री का नहीं चाहिए, मैं तो फ्री का पानी बिजली राशन देने वालों को लोग नलायक बना रहे हैं, मक्कार बना रहे हैं उनको, घर में पै रहो शाम को ठेके पर पौआ लगा के, पौआ एक पियो दो पौए पियो, फ्री का पैसा लेके घर में बच्चों को भेज दो, औरतों को धन्ने पे बैठा दो 500-1000 रुपये लेके, क्या फ्री में लेके लोगों को नकारा बनाना है? केजरीवाल के बनाम कौन आप देखना चाहते हैं दिल्ली में इस बार, किंग कौन होगा? अगर केजरीवाल के बनाम कोई नहीं देखता, लेकिन मैं देश हित को सबसे पहले देखता हूँ।
मतलब इसका मतलब ये कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो देश हित के बारे में बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने देश हित की कभी एक कोई बात की हो तो बता दीजिए। 70 सालों से जब मामले लटके हुए थे, धारा 370 का सर समर्थन किया उन्होंने? समर्थन किया, मजबूरी में किया। जानते थे कि यहाँ पर और भी वोटर है, केवल 370 पे अगर वो कर देते ना उसका विरोध तो कुछ और होता। अभी भी जो CAA NRC का जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे नहीं होनी चाहिए। मैंने कह दिया हाँ मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। क्यों? आपको संविधान भी याद आता है, शरीयत भी याद आता है, अपने जरूरत के हिसाब से आता है। आप कहते हैं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? जब सारे कागज़ आप रखते हो, सब्सिडी लेते हो गवर्नमेंट की, सारे कागज़ दिखाते हो। कपिल मिश्रा जी उन्होंने ट्वीट किया था कि वहाँ का स्थिति बहुत खराब है, पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बन गया है। कल एक मीडिया पत्रकार को भी उन्होंने बुरी तरीके से पीटा है, वहाँ पर कैमरा को तोड़ दिया गया है। इसमें दोहरा है क्या है, मिनी पाकिस्तान बनने में कहने में कोई संकोच मुझे तो नहीं है। मैं तो मानता हूँ मिनी पाकिस्तान बन गया शाहीन बाग मिनी। इस पर सर दिल्ली का किंग कौन होगा आपके हिसाब से? दिल्ली का किंग तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कौन होगा, लेकिन मैं देश हित को ही सर्वदा पसंद करता हूँ, सर्वदा पसंद करूँगा और ये कहूँगा। और जो लोग फ्री पानी बिजली या फ्री राशन पे वोट देते हैं, मैं तो उनको बिकाऊ दोगला और कर्महीन लोग कहूँगा सर। तो इस बार बहुत सारे ऐलान है सर कि लगे रहो केजरीवाल अच्छे बीते 5 साल, तो कौन होगा दिल्ली में इस बार? दिल्ली का तो नहीं पता, मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ। बीजेपी का सपोर्टर हूँ। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में जहाँ पर लोगों का मानना मिला जुला असर मिल रहा है। कोई लोग आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। किसी को कहना है कि फ्री में लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होता है, जो भी देश हित का बात करेगा उसके साथ दिल्ली की जनता जाएगी। और लक्ष्मीनगर विधानसभा की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनते जा रही है। मतलब कि पूरी तरीके से मिला जुला असर लक्ष्मीनगर विधानसभा की जनता का है। कैमरा पर्सन गौरव प्रकाश के साथ मैं नीतीश पाठक, SCN न्यूज़ लक्ष्मीनगर।